तरक्याती बजट में 26 अरब के इजाफा की मंजूरी। पंजाब कैबिनेट ने सालाना तरक्याती बजट में 26 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी। रवा माली साल तरक्याती बजट का हजम 560 अरब रुपए से बढ़कर 586 अरब रुपए हो गया। स्कीमों में अवामी फलाह के नज़रअंदाज होने वाले मनसूबों को फंड मिल सकेंगे। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक बजट में कम मुस्तशुदा फंड वाली स्कीमों को भी अब बजट मिल सकेगा। इजाफी फंड होने की सूरत में ये बजट दिया गया, जबकि ऐसी तरक्याती स्कीमों को जो टिकट होल्डर की जानब से दी गई इनको शामिल न करने का फैसला किया गया। सिर्फ तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान कौमी असम्बली के हलकों के लिए स्कीमें दी जाएंगी और जो तरक्याती स्कीमें शामिल की जा रही है उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी बनाया गया खुफिया सेल काम करेगा। ज़राए के मुताबिक ये भी इल्जाम सामने आ रहे हैं कि बाद मेंबरान असम्बली या टिकट होल्डर स्कीमें लेकर गुज़श्ता सालों में तरक्याती स्कीमें शामिल करवाते हैं। वो मुतलका ठेकेदार से जहां वो 2% इंजेक्ट हासिल करते हैं वहां तरक्याती काम भी बेहतर नहीं हो पाते। इसलिए पंजाब में होने वाले तरक्याती स्कीमों में जहां भी काम शुरू किया जाएगा या किया जा रहा है वहां तमाम तार जिम्मेदारी मुतलका जिला के डिप्टी कमिश्नर की होगी और टिकट होल्डर को इन तरक्याती स्कीमों से दूर रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये भी फैसला हुआ जिन मेंबरान असम्बली की जानब से स्कीमें शामिल की गयी वो सिर्फ निशानदही कर सकेंगे, बाकी तमाम तर मामला जिसमें फंड के इस्तेमाल से मुतल्लक दीगर कामों के जायजे तक की मुकम्मल जिम्मेदारी जिली इंतजामिया और मुतल्लका एक्सीएन और SC/SDO की होगी। तमाम तर स्कीमों का थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जाएगा। रिपोर्ट से जवाब शाह, वाइस ऑफ गुजरात।